आप सभी लोग अच्छे हो गए मैं आशा करता हूँ। और मैं आज आपके लिए लेके चलूँगा बिस्सी के संत रैदास मंदिर में। वो मंदिर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है और वहाँ का जो लैंडर है वो चूर चूर होकर नीचे गिर रहा है। और वहाँ पे बाबा हैं वो भी काफ़ी उनकी परेशानियाँ हैं, वो भी आपके सामने उनकी परेशानियाँ रखेंगे। और उसके सामने 7 दुकानें बनी हुई हैं, उसका बैलेंस पता नहीं कहाँ जा रहा है, वो किसे दे रहे हैं किसे नहीं दे रहे हैं। और 7 दुकानों का वो किराया बाबा को नहीं देते हैं, पता नहीं किसे दे रहे हैं वो, उसका भी पूरा पर्दाफाश करेंगे। चलते हैं और दिखाते हैं उनको पूरा व्यू। और ये जानकारी हमारे लिए विक्की भाई ने दी थी, इसलिए हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा व्यू। वैसे मैं आ गया हूँ विक्की भाई के पास। ये हैं हमारे विक्की भाई और इन्होंने हमें बुलाया था कॉल करके, और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा इस मंदिर का। चलते हैं दिखाते हैं आपको पूरा व्यू मंदिर का। गाइस ये जो आप देख रहे हो यही है संत रैदास का मंदिर है, और ये सामने 7 दुकानें बनी हुई हैं, यही दुकानें हैं जो मैं आपके लिए बता रहा था और विक्की भाई ने हमें बताया था। और दुकानें खुली हुई हैं पूरी 7, और ये लोग पता नहीं किराया किसी ले रहे हैं किसी नहीं दे रहे हैं। और यहाँ बाबा रहते हैं, वो भी काफ़ी परेशानी में रहते हैं, और ये लोग उन्हें बाबा के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हम आपके सामने पूरा पर्दाफाश करेंगे। वीडियो पर बने रहना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सर्विस चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं और दुकानदार से पूछताछ करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ये बाबा के लिए क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं और क्यों पैसा किसे दे रहे हैं किसे नहीं दे रहे हैं। टेलर साहब बैठे हुए हमारे, और ये है बक्से की है। जैसे कि तुम यहाँ पे यार किराया किन के लिए दे रहे हो? ये हरिओम के लिए। हरिओम कौन है? हरिओम भाई गच्च का लड़का है। अच्छा, जा रहा है डेली हर महीना? अच्छा। और क्या नाम? और तुम भी क्यों भाई, क्यों आप इसका किराया? हमारे मालिक सब बैठे हैं। कौन हमारे? हाँ तो आप मंदिर की दुकान है, सही है, इनका किराया आप कैसे लेके आ रहे हो? इसका किराया है, इसका वो है, कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं मंदिर के कैसे दुकान के? वो जो उनके इंचार्ज हैं पिताजी जी, उन्हें जाता है राजू पिताजी जी। अच्छा, हाँ तो तुम्हारी आगे लिए हर महीने जा रहा है? हर महीने ना, वो जब भी हिसाब करते हैं साल दो साल में जब इकट्ठा जाता है, महीने पे ना जाता है। अच्छा, कितने था, कितना समथिंग इकट्ठा वो बैठे? अरे यार बता तो दो भाई मेरे, जब मैं कटिंग कर रहा हूँ तो उनसे बात कर लो, सब बात बता देंगे ताऊ बैठे तो तुम्हारे। हाँ बताइए आपकी शॉप कौन सी है? बक्से वाली है। जैसे आप इसका किराया क्या दे रहे हो? वकील साहब के लिए, ठीक है। इन सभी दुकानदारों ने अलग अलग नाम बताए, आपका क्या किराया कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये किराया किसे दे रहे हैं किसे नहीं दे रहे हैं। अगर बिल्सी में कोई भी कमेटी चल रही हो तो इस बात के लिए ज़रूर मुद्दे पर रखें। अब बाबा के पास चलते हैं, बाबा की परेशानियां सुनते हैं, चलते हैं मंदिर के अंदर। हाँ बोलिए बाबा साहब, जैसे कि यहाँ पे ना मंदिरों में सारी दुकानें बनी हुई हैं, तो उनका सारा बैलेंस कहाँ जा रहा है, यानी रुपया किराया? आपके लिए मालूम है राजू के पास जा रहा है? तो आपके लिए वो कुछ देते हैं, सब रिपोर्ट करते हैं कुछ? और मंदिर की भी व्यवस्था बहुत खराब होती है जो है, कोई कुछ ना देख रहा हूँ। और देखिएगा मैं दिखाता हूँ आपके लिए पूरा मंदिर का पूरा व्यू। देखिए ये देखिए पूरा टूटा हुआ है ऊपर से, और आगे चल के दिखाता हूँ आपको। मंदिर तो खैर बना हुआ है पर यार चटका हुआ है, हर तरफ से पानी टपकता है, बारिश होती है, और ये सब देख सकते हो आप, ये सब इनका पीने खाने का सामान है। और इधर रूम भी बने हुए हैं, और इधर देखिएगा इधर पानी भरा हुआ है हर जगह, और लेटरिन करने की भी व्यवस्था ना है ठीक से, देख सकते हो आप कितनी बेकार व्यवस्था है मंदिर की। इस मंदिर के लिए बताओ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है।
हाँ, और देखो लोहे का लंगर पड़ा हुआ है इधर। इधर पता नहीं क्या, बाबा काफ़ी परेशानी में है, बाबा के लिए पूरा सपोर्ट करिए प्लीज़ यार। ऊपर ऊपर का पूरा बीए दुखाऊंगा, बहुत ही दिक्कत है। और बिक्की भाई की काफ़ी कॉल आ चुकी थी मेरे पास उन्हें बताने के लिए, इसलिए मैं आ जाऊँ मंदिर का ब्लॉग बनाने के लिए। ये सामने देखिएगा, ये लोग यार भट्टे बना के चले गए हैं, यहाँ दफ्तर के चले गए हैं और गंदगी फैला के चले गए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे कोई बिल्सी में कोई कमेटी चल रही हो मंदिर की समाज की, और कमेटी वाले से गुजारिश है कि जो भी कोई इस मंदिर में अगर कोई दावत करे तो उसकी 1000 रुपये की या 500 रुपये से पर्ची काटी जाए साफ़ सफाई के लिए। ये देखिएगा अब दुकानें, और दुकानों में कितनी ईंटें भरी हुई हैं, पता नहीं कब की ईंटें हैं, वो कोई काम ही नहीं चला है, जब से इसमें काम बंद हुआ है तब की ईंटें रखी हुई हैं। और ये मंदिर पूरा बुरी तरीके से चटक गया है, इसमें पानी गिरता है नीचे जाके, और बाबा हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही परेशान हैं बाबा, अकेले हैं वो, उनकी परेशानियाँ भी कोई नहीं सुनता है। आप लोगों से गुजारिश है बाबा को सपोर्ट करें। समस्या देखिए आप, क्या समस्या है बताइए आप। समस्या यही है, अगर है ही नहीं, अगर ना खान कोई ना पैसा आ रहा हो ना कोई दे रहा हो, कोई भी नहीं देता था पैसे ऐसे। अच्छा, जैसे वहाँ दुकान लगी है बाहर, वो ही एक नहीं दे रहा है। अच्छा, सब एंजॉय कर रहे हैं, सही है, मजे ले रहे हैं। जिनसे क्यों हमारे बाकी साहब जा रहा हुआ बाहर, आज भी जा रहा हुआ। हाँ, वो तो मैंने देख लिया, मैंने वो तो किसी ने भी ना बताया कि पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी पर कोई बता नहीं आ रहा ढंग से, बता दो ना। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि फ्री में चल रही दुकान है, फ्री भी चल रही है। इधर से ये मंदिर बना हुआ है, इधर से पानी भर जाता है और टपकता है नीचे। बहुत ही दिक्कत है बाबा के लिए, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और ना ही इनकी कोई बात कोई सुनता है। इधर से पानी टपकता है पूरा और इधर पानी भर जाता है, दिखा रहा हूँ आपके लिए, और बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है इस मंदिर के लिए। और बिक्की भाई ने हमें बुलाया इधर, हमारे भाई साहब ने, इसलिए हम आए हैं, पूरा ब्लॉग दिखा रहे हैं आपके लिए, और इस वीडियो को फैला देना भाई। गाइस, मैं आ गया हूँ मंदिर की सबसे ऊंची वाली छत पे, यहाँ से भी आपके लिए दिखाता हूँ। देखिएगा, इधर बाबा ने हमें बताया था कि इधर पानी भर जाता है और पूरा दिन टपकता है जब बारिश होती है, अगर ओस भी हो जाती है तब भी नीचे जाके टपकती है, सीलन होती है, देखिएगा आप। और गुजारिश है सभी लोगों से मेरी कि इस मंदिर के लिए सपोर्ट करें यार, और बाबा हैं मंदिर में रहते हैं उनके लिए भी सपोर्ट करें प्लीज़, हाथ जोड़ के आपसे विनती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और सरलू बिरसी चैनल के लिए सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए। और भी कोई भाई हो वो मुझे बताए, ऐसी कोई जगह हो मैं वहाँ पे जाऊँगा और पूरा ब्लॉग बनाऊँगा। और कोई अपना गांव या शहर या मोहल्ले का भी ब्लॉग बनवाना चाहता हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मैं जाऊंगा पूरा ब्लॉग बनाऊंगा। और कोई भी अपनी शॉप की या किसी चीज़ की ऐड कराना चाहता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हर चीज़ का ब्लॉग बनाऊंगा मैं, ओनली फ्री सेवा। सरलू बिरसी चैनल आपकी सेवा में हाजिर है। और ये देखिएगा बिरसी का नज़ारा, मेरे सभी दुकानदार भाइयों जो लोग मंदिर की दुकान चला रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी
बाबा के लिए एक दुकानदार कम से कम 200 रुपये तो देना चाहिए महीने पे। 7 दुकान हैं, 7 दुकानों का हो गया 1400 रुपये। 1400 रुपये अगर बाबा के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा कृपा होगी। बाबा बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है उन्हें, प्लीज़ उनकी बात के लिए समझें और उन्हें सपोर्ट करें। गाइस हम आ गए हैं नीचे और ये देखिएगा संत रविदास महाराज जी की मूर्ति लगी है सामने, और इधर साइड से बाबा ने हमें बताया था कि इधर से पानी टपकता है नीचे जब बारिश होती है, अगर ओस भी आ जाती है तब भी नीचे पानी आता है, और इधर पानी भर जाता है काफ़ी नीचे। दिखाते हैं आपके लिए, वीडियो पर बने रहना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सल विशेष चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कबाड़ा हाँ ना, आया क्यों जे है? कबाड़ा क्यों यार, जैसे ये जंगला है क्यों आए? हाँ तो लगी नहीं अभी तक। अरे जब कोई आओ ना देखने ना आओ तो कौन लगावे? अच्छा किसी ने भी नहीं लगाया अभी, काबिल देखी तक ना। और जो मैं तो करके ललत सुबह क्या बताऊँ? हाँ मुझे पता, आप हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वहाँ छोड़ गए, वहाँ पानी से करी। अच्छा देखिएगा, ये बाबा बहुत परेशान है, इधर अंधेरा काफ़ी है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ। आप देख सकते हो ये सब ग्रिल हैं, छत पे लगने के लिए आई थी और अभी तक ये लगी नहीं है, पड़ी पड़ी सड़ रही हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये जितना सामान पड़ा हुआ है, छत पे भी काफ़ी सामान है, इसका यूज किया जाए। और ये बाहर दुकानें लगी हुई हैं, किराया कहाँ जा रहा है वो लोग कह रहे हैं, पता नहीं किन किन का नाम बता रहे हैं, वो भी ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। और बाबा के लिए भी सपोर्ट करो यार, बेचारे अकेले हैं और पैर से भी विकलांग के थोड़े। मुझे तो ना देखा, मैं तो कर रहा हूँ बाबा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना। अच्छा देखिएगा, यहाँ से बहुत ही मंदिर की काफ़ी दिनों से इसकी मरम्मत नहीं हुई है, इधर से पूरी चार तरफ से पता पानी टपकता है, मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए इधर से। और ये बिलसी में संत रविदास मंदिर के नाम से फेमस है। बाबा बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इनकी कोई समस्या नहीं सुनता है, मैं यहाँ पे आ जाऊँ। अच्छा चलो कोई बताना बाबा, और मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ ये है, ये देखिएगा ये है पूरा बाबा का बैठने का। अच्छा यहाँ पे एक वो हैं लवकुश ढाबा वाले, उन्होंने बाबा के लिए सपोर्ट किया है, वो बता रहे हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, बताइए। लवकुश के अलावा और कोई ना, उन्हें यहाँ ढाबा मिलता है और वही खर्चा कर रहे हैं। अच्छा उन्हीं वही हैं जो यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं इनका बाबा का और सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने इन्वर्टर भी लगवाया है यहाँ पे, कपड़ा सब। और इधर देखिएगा आप, पूरा चटका हुआ मंदिर है ऊपर से लेकर नीचे तक। बाबा दुकान के बारे में, दुकानदारों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, जो मंदिर की दुकान लगी दुकान है बताइएगा, क्या करें बाबा? सात दुकान है, सातों एक। अच्छा कोई भी पैसा नहीं देता है कोई ना, कुछ भी सब्जी रोटी खाने के लिए नहीं, सिर्फ सुबह सुबह आए दुकान लगा ली, कुछ भी नहीं है। देखिएगा यार इन्हें बाबा के लिए और सपोर्ट करिएगा, मंदिर के लिए देखिएगा और इनकी, चलो अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं है, हमारा काम है फिलहाल। गाइस मैं आ गया हूँ मंदिर के अंदर, ये देखिएगा इधर काली माता जी की प्रतिमा लगी हुई है, और बाबा जी मेरे से कह रहे हैं कि ये जो चिरागी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये खुद तेल में अपने पैसों से लेके आता हूँ, कोई भी मुझे कुछ भी दे के नहीं जाता है। प्लीज़ आप सभी लोगों से, बिलसी वासियों वालों से गुजारिश है, प्लीज़ इस मंदिर के लिए सपोर्ट करें, और ये बाबा जी हैं इन्हें प्लीज़ इन्हें कोई भी सपोर्ट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं प्लीज़। और ये कहना ये तेल है, ये सब बाबा अपने पैसों से लेकर आए हैं, कोई भी नहीं देखा पा रही, कोई भी नहीं कर रहा है, और ये बाबा देखो खुद चिरागी जला रहे हैं, दिखा रहा हूँ आपके लिए,
बहुत ही परेशान है और पानी टपकता है इधर भी। अच्छा यहाँ पे लपकुश वो क्या नाम है जो ढाबे वाले, चलो उनकी बहुत अच्छी बात है, उन्होंने यहाँ पे इन्वर्टर लगवा दिया है, उनके लिए दिल से धन्यवाद भाई, थैंक यू। हेलो गाइस, मैं वीडियो के लिए यहीं समाप्त करता हूँ, विराम लेता हूँ, मिलूँगा आपके लिए अगली वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना और सरली बेसिजन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। और प्लीज़ आप सभी लोगों से गुजारिश है मेरी, इस मंदिर के लिए भी सपोर्ट करें और बाबा जी हैं उनके लिए भी पूरा पूरा सहयोग करें, सपोर्ट करें दिल से। और चलते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। घर पे और लेटा हुआ हूँ, काफ़ी टाइम हो गया एडिटिंग करते हुए, और पता यार पूरे मंदिर का मैंने पूरा ब्लॉग दिखा दिया आप सभी के लिए, और यार सपोर्ट करिएगा बाबा जी के लिए, और सभी से मेरे गुजारिश है यार मंदिर के लिए भी सपोर्ट करिए, काफ़ी परेशान है बाबा, और मैंने वीडियो में पूरा पूरा दिखा दिया है। और सल्लू बिसी चैनल के लिए भी सब्सक्राइब करिए और हमें भी लिए सब्सक्राइब करिए भाई, और जिस किसी के लिए भाई ब्लॉग बनवाना हो वो वीडियो के नीचे कमेंट करें, सल्लू भाई वहाँ पर आएगा और आपका ब्लॉग बनाएगा ओनली फ्री में भाई। मिलते हैं, सोते हैं, हाँ।